नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूं वायरल वर्सेस फैक्ट में। जम्मू कश्मीर में हो रही वोटिंग का आज तीसरा चरण है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और किस तरीके से वोटिंग हो रही है, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में 4 दिसंबर को जिला विकास परिषद चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है। जम्मू में चक जाफर गांव में एक मतदान केंद्र पर लोग लंबी कतार में खड़े हुए दिखाई दिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए वो लोग वोट डाल रहे हैं। इसी तरह के दृश्य राजौरी और बारामूला जिले में भी देखे गए, तो मतदान के तीसरे चरण का हिस्सा है। पहली बार DDC के चुनाव 8 चरणों में हो रहे हैं और 19 दिसंबर तक चलेंगे। 22 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोट डालने आने वाले मतदाताओं को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी विस्थापित मतदाताओं के लिए जम्मू के गांधारी नगर महिला कॉलेज और उधमपुर के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से जिला विकास परिषद चुनाव में किए गए जा रहे बड़े बड़े वादों पर सवाल, राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में ये चुनाव पहली बार हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके के नगर निगम काम कर रही है, उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जिला विकास परिषद काम करेगी। खैर, अब आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।